हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और हम एसक्यूएल सर्वर सीख रहे हैं और आज का टॉपिक जो है दो टेबल से डेटा फेच कराने को लेकर के, यानी टेबल्स दो होंगी और दोनों से डेटा हम फेच कराएंगे। तो कैसे होगा ये आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले तो हमें टेबल बनाना है, तो सबसे पहले तो डेटाबेस पे चलेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, अब इस डेटाबेस के अंदर दो टेबल होंगी, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ लाइक एम्प्लॉय, इस तरीके से एम्प्लॉय नाम दे दिया इस डेटाबेस को और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब ये जो एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये एम्प्लॉय आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये हमारा डेटाबेस है। अब इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ टेबल आएगा। अब टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फाइल पे जाना है और टेबल पे जाना है। जैसे ही टेबल पे जाते हैं हम, तो टेबल पे जाने के बाद होगा क्या, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे, किस फील्ड को हम क्या नाम देना चाहते हैं, लाइक एम्प्लॉई है तो यहां दे सकते हैं हम एम्प्लॉई आईडी, इस तरीके से एम्प्लॉई आईडी कर दिया हमने। और पहले तो इसे क्लोज कर देते हैं। अब ये एम्प्लॉई आईडी करने के बाद डेटा टाइप पे आएंगे, तो यहां एन कैर डेटा टाइप भी रख सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी की एक्सेल में, एक्सेस में प्राइमरी की होती थी, यहां पर भी प्राइमरी की होगी, तो यहां पर राइट क्लिक करके और सेट प्राइमरी की, ये प्राइमरी की बना दीजिए आप। ठीक है, प्राइमरी की ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद यहां पर एम्प्लॉय का नेम देंगे, लाइक एम्प्लॉय का नेम भी आ जाएगा यहां पे इस तरीके से, तो ये एम्प्लॉय नेम हो जाएगा। इसे भी एंड कर रखते हैं और ये हटा देते हैं, इस तरह से जो आया हुआ है ये हटा देते हैं। और फिर अगर एम्प्लॉय का पोस्ट आपको देना है, किस पोस्ट पे है वो, तो पोस्ट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक, पोस्ट, तो यहां पर एनकेयर ही रखता हूं और अब इसको क्लोज करना है। ठीक है, यहां से क्लोज करता हूं और इसको सेव कर लेता हूं। तो ये सेव करने के लिए बोल रहा है, तो इस टेबल को हम टेबल वन के ही नाम से सेव कर लेते हैं। तो ये टेबल वन कर दिया हमने, टेबल वन इस तरीके से, और ओके प्रेस किया तो ये टेबल वन के नाम से सेव हो जाएगा। अब जैसे इस टेबल पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ रहा है। यहां पर राइट क्लिक करके इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार और फिर इस पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं ये इस तरीके से टेबल वन नाम से आ चुका है। तो एक डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो चुका है, दूसरा डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा टेबल बना लेते हैं, डेटाबेस तो बना ही चुके हैं। तो यहां पर रखेंगे कर्सर को और फिर यहां पे राइट क्लिक करके फिर यहां से न्यू टेबल बनाएंगे। तो एक तो टेबल हो गया टेबल वन के नाम से, अब यहां पे दूसरी टेबल क्या होगी, प्रोडक्ट की टेबल होगी। तो यहां कर देता हूं प्रोडक्ट, ठीक है, और अंडरस्कोर नेम, ओके, और यहां पर आएंगे एनकैर डेटा टाइप रखेंगे। यहां पर आता हूं तो प्रोडक्ट नेम के बाद अब क्या करेंगे, यहां पे कर देता हूं प्रोडक्ट आईडी, या फिर सिर्फ कर देता हूं आईडी, प्रोडक्ट की आईडी तो कोई आईडी है नहीं, तो यहां पे आईडी कर दिया हमने एनकैर ही, इसको भी रख सकते हैं और सब हटाते जाइए। ठीक है, ये हटा दिया हमने। यहां पर क्या करेंगे, प्राइस रख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्रोडक्ट की प्राइस रख सकते हैं आप। और यहां पर एक खास डेटा टाइप है जिसे हम मनी डेटा टाइप बोलते हैं, तो यहां पे मनी डेटा टाइप आ जाएगा। आप चाहे तो यहां से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस हमने कर दिया और यहां पे यूनिट कर सकते हैं आप, फिलहाल प्राइस तक रखते हैं और यहां से ये टिक हटा देता हूं और इसको भी अब क्लोज कर देते हैं। यहां से इसको क्लोज करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से यस कर देते हैं इसको, तो ये यस कर दिया। अब यहां पर टेबल टू कर देते हैं, टेबल TABLE टेबल टू, ये हो गया, एंटर प्रेस कर दिया तो ये हो गया। अब यहां पर डबल क्लिक करता हूं, ये देख सकते हैं यहां पर अभी कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, ये देखिए DBO टेबल वन आ रहा है लेकिन यहां पर टेबल टू नहीं आ रहा है। यहां पर रिफ्रेश कर लेता हूं और रिफ्रेश करने के बाद यहां पर देख सकते हैं DBO टेबल वन और टेबल टू दोनों आ चुका है। ठीक है, अब टेबल वन में कुछ रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं, लाइक यहां पर आकर के राइट क्लिक करके और फिर एडिट टॉप 200 रोज इस पे जाएंगे, तो यहां पर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी, ये देखिए ये सारी जो टाइटल्स हमने लिए थे वो टाइटल्स आपको डिस्प्ले होंगे, लाइक एम्प्लॉय आईडी है, फिर ये एम्प्लॉय नेम है और उसका पोस्ट है। तो यहां पर एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं, लाइक यहां पे डाल देता हूं वन, एम्प्लॉय आईडी वन है। और यहां पर आता हूं, यहां पे एम्प्लॉय का नेम आएगा, तो मान लीजिए एम्प्लॉय का नेम है सूरज, तो ये एम्प्लॉय का नेम दे दिया हमने यहां पे। और यहां पे पोस्ट है तो यहां पे कर देता हूं अकाउंटेंट, अकाउंटेंट इस तरीके से। ठीक है, और फिर यहां पे आता हूं, यहां पे एम्प्लॉय आईडी टू हो गया, यहां पे कर देता हूं राम, और इनकी पोस्ट जो है मैनेजर की है तो यहां पे कर देता हूं मैनेजर, MANAGER, तो ये मैनेजर कर दिया हमने। तो ये बहुत ही इजीली आप करते चले जाएंगे। इसी तरह से थ्री है तो यहां पे कर देता हूं निकिता। अब यहां से इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये तो हमारी पहली टेबल रही जो हमने इसको बना लिया है। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहां से राइट क्लिक करके और यहां पर जाएंगे एडिट टॉप 200 रोज पे, तो यहां पर ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, टेबल टू में डेटा फिट करना है,
तो यहां पर ये देखिए ये डेटाबेस 2 है टेबल 2, तो यहां पर अब डेटा फिट करना है, तो एडिट टॉप 200 रोज पे जा करके और यहां पर हमें एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। अब यहां पर आएगा प्रोडक्ट की आईडी, तो यहां करता हूं 101 और यहां कर देता हूं, यहां प्रोडक्ट का नेम आएगा फिर आईडी आएगी, तो यहां पे कर देता हूं प्रोडक्ट का नेम, तो यहां पे कर देता हूं लाइक कीबोर्ड, तो ये लिख दिया हमने कीबोर्ड, ठीक है। और यहां पे कर देते हैं आईडी 101 और यहां पे कर देते हैं प्राइस, तो मान लीजिए कीबोर्ड की प्राइस है ₹220, ठीक है। इसी तरह से है माउस, एम ओ यू एस ई माउस, ठीक है। यहां पे आए, यहां पे कर सकते हैं लाइक 102, ठीक है। और यहां पे आएंगे तो यहां पे कर देंगे ₹120। इसी तरह से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, लाइक मॉनिटर कर सकते हैं मॉनिटर, ठीक है। और यहां पर 103 कर देते हैं और यहां पर क्या करेंगे, मॉनिटर पड़ेगा आपका ₹6,700 का, तो ये हमने कर दिया। तो इस तरीके से इसमें डेटा फिट कर सकते हैं। इसको अब क्लोज कर देते हैं, ये हमारा काम हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमें डेटा फेच कराना है। कैसे फेच कराना है, क्वेरी बना करके, ठीक है। तो एक का नाम है डीबीओ टेबल 1, डीबीओ टेबल 2, यही नाम है ना, तो टेबल 1 और टेबल 2 नाम दिया है और डेटाबेस का नाम है एम्प्लॉय। तो यहां पे क्वेरी पे आ जाते हैं सीधा सीधा। अब यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट नाम के कीवर्ड का यूज करेंगे और यहां पे लगाएंगे स्टार सिंबल और फ्रॉम, कहां से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो टेबल, यहां पे टेबल 1 है तो टेबल 1 दे देते हैं, ठीक है। तो टेबल 1 से सेलेक्ट कर रहे हैं हम और इन सबको सेलेक्ट करके और यहां से एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और ये देखिए ये सारी चीजें प्रिंट होकर आ रही है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नीचे टेबल 2 की भी डिटेल प्रिंट हो जाए, तो यहां पे लिखना है हमें सेलेक्ट, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल। और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम, एफ आर ओ एम फ्रॉम, यहां पे लिख दिया फ्रॉम। और अब टेबल 2 की बात करेंगे तो यहां लिखेंगे टेबल 2, तो ये टेबल 2 से भी सेलेक्ट हो जाएगा दोनों। तो अभी देखिए सिर्फ इसको सेकंड वाले को सेलेक्ट करता हूं इस तरीके से। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूं तो ये टेबल 2 की डिटेल फेच होकर आ रही है, लेकिन अगर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से एक्सिक्यूट कर देता हूं तो दोनों ही चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, आई होप की बात समझ में आ रही होगी,